और अलंकार दूसरा सा कौन सा वाला सही? रे रे गा गा मा मा वाला। सा सा रे रे गा गा मा जी। सा अब ये वाला सुनाओ, सारे गा 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 रे गा मा 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 गा मा पा पा मा पा धा धा। यानी कि जो सारे गा जैसे आप बजाते हो ना, सारे गा रे गा मा गा मा पा धा, ये वाला बजाते हो। जी हाँ, उसी में जो लास्ट वाला बर्ड होगा उस पे 2-3 बार प्रेस करना है। सारे गा 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 रे गा मा 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 गा मा पा धा धा धा, ऐसे बजाओ। जी सुनो, जी गलत कहा है कर रहे हो भाई, कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं पहले। अच्छा बजाओ, सारे गा 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 रेगा मा 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 गा मा पा 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 मा गा मा पा 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 मा पा धा 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 पा धानी नी नी धानी सा 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 तानी धा 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 नी धा पा 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 धा पा मा 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 पा मा गा 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 मा गा रे 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 गा रे सा सा सा। अब याद हो गया? जी बजाओ। जी अब मैं कुछ कह रहा हूं, जी अब बीच में स्वर छोड़ रहे हो। अब ये आप इस चीज को तैयार करेंगे, ठीक है? ये स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है? तारे गा गा जी गा रे गा मा 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 गा मा पा 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 मा पा धा 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 पा धा नी 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 धा नी सा सा सा। ये अलंकार का मतलब होता है कि जब आप अलंकार बजाओगे हारमोनियम पर, मतलब अलंकार का मतलब समझ रहे हो, अलंकार जब वो आप करोगे सारे गा गा गा, तो आपकी जो उंगली है वो थरथराहट सी करेगी। तो जब आपकी उंगलियां थरथराएंगी तो आपको बहुत आसान होगा, आपकी फिंगरिंग अच्छी होगी, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस जी करने से आपकी फिंगरिंग मजबूत होगी, अच्छी होगी, और उसके बाद आगे पलटा वगैरह भी कराएंगे तो आपको स्वर